हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर फैकल्टी मेंबर्स। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का पे स्केल दिया हुआ है। तो पे स्केल जो है यहाँ पे लेवल 10 रखा गया है। ग्रुप ए का पोस्ट है 7 CPC के हिसाब से। एंट्री बेसिक पे जो है वो 70,900 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का पोस्ट जो है वो ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। एंड आफ्टर 3 इयर्स, अगर आप यहाँ पे 3 इयर्स कंटिन्यू कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद 3 इयर्स, देन आपको ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो डिपार्टमेंट के साथ साथ यहाँ पे डिजर्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे देखिए, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का जो पोस्ट है जिसमें एकेडमिक ग्रेड पे आपका 6,000 रहने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो PhD रखा गया है। एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स नील है, एज वेल एज यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं वो भी नील है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, जो कि ऑल्सो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, बट यहाँ पे जो एकेडमिक ग्रेड पे है वो है 7,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो PhD रखा गया है, बट यहाँ पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे 1 साल का पोस्ट PhD एक्सपीरियंस चाहिए, किसी भी फील्ड से हो, टीचिंग रिसर्च, बट आपके पोस्ट PhD एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रेडिट पॉइंट्स है वो 10 रखा गया है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का पोस्ट, जो कि परमानेंट पोस्ट पोजीशन होता है। एंड यहाँ पे देखिए, पे लेवल 12 रखा गया है, एकेडमिक ग्रेड पे 8,000 है, PhD एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास आफ्टर PhD, एंड वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, डेवलपमेंट लैब्स हो सकता है। ठीक है, तो क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पे 20 रखा गया है। नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर, जिसके लिए पे लेवल देखिए 13,82 रखा गया है, एकेडमिक ग्रेड पे यहाँ पे 9,500 है, PhD देखिए यहाँ पे हर कोई पोस्ट के लिए PhD मैंडेटरी है, PhD आपका होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट 6 साल का आपके पास पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 50 क्रेडिट पॉइंट्स है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोफेसर पोस्ट पर। तो यहाँ पे देखिए, पे लेवल 14A रखा गया है, जिसके लिए एकेडमिक ग्रेड पे आपको 10,500 रुपीज मिलने वाला है, PhD मैंडेटरी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 10 साल का पोस्ट PhD एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, एंड क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो 80 रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी के हिसाब से आपको कितना क्रेडिट पॉइंट्स मिलता है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे देखिए, आपके पास अगर कोई भी एक एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गया है, या फिर ऑनगोइंग है, या फिर आपके पास कोई भी ग्रांटेड पेटेंट है, तो फिर आपको यहाँ पे 8 क्रेडिट पॉइंट्स मिलता है। तो उसी अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपके एक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे कितने क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलता है। ठीक है, तो अपने तरीके से ये आप एक बार चेक कर ले। नेक्स्ट चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन पर। तो यहाँ पे देखिए, जो भी पोजीशन है, परमानेंट फैकल्टी पोजीशन है, सिर्फ और सिर्फ जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 पोस्ट है उसको छोड़ के सारे परमानेंट पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फीस जो है 1,000 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है, एंड कोई भी फीस आपको पे नहीं करना होगा अगर आप SC ST PWD एंड EWS कैंडिडेट्स है। एंड अगर कोई फॉरेन कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 5,000 रुपीज रखा गया है। तो एप्लीकेशन फीस आप देखिए यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको करना होगा, मतलब हार्ड कॉपी आपको सेंड करना होगा। तो जिस टाइम पे आप हार्ड कॉपी सेंड करेंगे, तो उस टाइम पे जो ट्रांजेक्शन का जो रिसिप्ट कॉपी है वो भी अटैच करके आपको सेंड करना होगा। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट करते हैं तो वो फुल्ली रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्सेप्टेड। नेक्स्ट डेट्स पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो अभी एक्टिवेट नहीं है, तो वो एक्टिव हो जाएगा 16th of October से। ठीक है, तो 16 अक्टूबर से वो एक्टिव हो जाएगा, एंड कंटिन्यू आपका मतलब कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 13th of November शाम 4 बजे से, 4 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हार्ड कॉपी रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो है 20th of November, तो 20th November तक आप जो है हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं।
सेंड करने के लिए आपको एनवेलप के ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड आपका डिपार्टमेंट क्या है वो आपको मतलब बहुत ही क्लियरली मेंशन करना होगा। एंड देन जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है इसी एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। तो सेंड करने के लिए आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा जो भी कैंडिडेट्स SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी TDA नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू एंड इंटरव्यू के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं एंड ID प्रूफ वो आपको प्रोड्यूस करना होगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड अगर आप नहीं कर पाते हैं या फिर आप भूल गए लाना या फिर कुछ, देन आपका जो इंटरव्यू है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से ये सारे जो चेकलिस्ट है ये अच्छे से डॉक्यूमेंट सारे लेके आपको जाना है इंटरव्यू के टाइम पे। यहाँ पे देखिए, जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है, आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग अलग अलग कॉल लेटर्स या फिर मेल तो किसी को नहीं सेंड किया जाएगा, तो उसके लिए जो एक लिस्ट आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसके लिए आपको रेगुलरली चेक करते रहना है ऑफिशियल वेबसाइट, बिकॉज आपको कोई भी मेल या फिर कोई भी कॉल लेटर्स अलग से सेंड नहीं कर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग आपको क्या क्या इंसेंटिव्स मिलता है। जैसे बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलता है, ये NIT की तरफ से आया है। तो देखिए, क्यूमुलेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलायंसेस जो CPDA बोलते हैं, ₹3 लाख मिलता है आपको फॉर एवरी ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। देन रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस मिलता है, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस मिलता है, लीव ट्रैवल कंसेशन जो LTC होता है, बहुत सारे यहाँ पे फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स मिलता है सैलरी के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वैकेंसी आपको डिपार्टमेंट वाइज एज वेल एज पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी रिलीज दिया गया है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितना वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी अगर देखें तो फिर 24 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है, जो कि आपके लिए गुड न्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अगर किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी कैटेगरी से कैटेगरी में अगर 0 वैकेंसी है तो वो जाके अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, 10 पेजेस का नोटिफिकेशन है, बहुत फ्रेश नोटिफिकेशन है। अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अभी भी जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो एक्टिव नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो 16 अक्टूबर से एक्टिवेट हो जाएगा, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए एंड अपना जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो सारे सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है आया है NIT आंध्र प्रदेश की तरफ से, बहुत अच्छे नोटिफिकेशन है, तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। देखिए, ये है NIT आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आके ऊपर ही आपको करियर करके मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं देन दूसरा एक टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे टीचिंग में आपको देखने को मिलेगा लिंक एंड एज वेल एज यहाँ पे डेट है 11 अक्टूबर। तो यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टैब में आपको जो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो 16 अक्टूबर से यहाँ पे एक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, लिंक देखने को मिलेगा, तो वहां पे क्लिक करके आप फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।